वीडियो वेख रहे सारे प्यारे स्रोते वीर भैन भरा बजुर्गों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज की जी वीडियो है इस वीडियो असी तुहानू राशन कार्ड ते फूड सप्लाई महकमे वालों अते पंजाब सरकार वालों कुछ नवीं हदायतां जिहड़ियां जारी हो चुकियां ने उन्हां दे बारे तुहानू असी जानकारी जिहड़ी है देण जा रहे हां। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लवो, बैल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लवो ता जो सरकार वालों जिन्हिया भी नवी अपडेट आदि ने या फिर फूड सप्लाई के महकमे वालों नवी अपडेट्स आदि ने राशन कार्ड संबंधी उन्होंने बारे ते तक जानकारी पहुँच सके सब तो पहला तो तुम भी सरकार वालों मिलदियाँ सहूलतों का पूरा पूरा लाभ जरा घर बैठे रह सको। सो दोस्तों तुहानू दसन जा रहे हैं कि अज जिहड़ी तरीक है 7 सितंबर 2024 हो चुकी है, फूड सप्लाई महकमे वालों कुछ नवीं जिहड़ियां हदायतां जारी कीतियां गईयां ने। पंजाब दे विच 65% जिहड़े लोग ने जिन्हां नूं कि राशन मिलता हैगा ते जिन्हां दे राशन कार्ड बने हुए ने, तुहानू दसन जा रहे हैं कि फूड सप्लाई महकमे वालों पूरे पंजाब दे विच राशन कार्ड धारकां दे लई 3 नवीं हदायतां जारी कर दित्तियां गईयां ने जिहड़ियां कि मैं तुहानू स्टैप बाय स्टैप दसन जा रहा। नंबर 1 ते हदायत जिहड़ी है ये जारी की गई है, डिपू होल्डर नूं भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जेकर तुहाडे पिंड दे विच किसी भी लड़की की मैरिज हो चुकी है तो उन्हां दे परिवार नूं राशन मिलदा तां तुसीं उस लड़की का नाम जिहड़ा है राशन कार्ड विचों जरूर कट देना है, क्यों तां जो वह लड़की का राशन कार्ड जिथे वह व्याही गई है उत्थे जाके अप्लाई हो सके। तो जेकर उस परिवार को राशन मिलता होया जिथे वह लड़की की मैरिज हुई है जेकर उस घर दे विच उन्हां दा पहला राशन कार्ड बनिया होया होएगा तो उस लड़की का भी राशन कार्ड उत्थे ही बन जाएगा। नंबर 2 ते जिहड़ी हदायत जारी की गई है तुहानू दस दईए कि जिन्हां ये भी राशन कार्ड लै रहे ने पूरे पंजाब दे विच लोक उन्हां नूं अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जरूरी कर दिते ने। तुहानू दस दईए कि जेकर तुहाडी कैटागरी जनरल है, SC है, BC है, OBC है, तुसीं किसी भी कैटागरी तो बिलोंग करते हो तो तुसीं अपने कास्ट सर्टिफिकेट जिहड़े जरूर बना लवो, ये राशन कार्ड के नाल लगने जिहड़े आ जरूरी कर दिते ने। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਈ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈ ਅਨੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ KYC ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ तक का टाइम है, 30 सितंबर तक अपनी KYC जी जरूर करवा लवो। पहला ये डेट सी 31 अगस्त रखी गई सी पर कुछ बच्चों दिड़िया KYC सी अपडेट नहीं सी हो पाई जिदे करके सरकार ने डेट बढ़ा दी है। हुण तुसी अपनी छेती तो छेती जी KYC है अपने पिंड के डिपो होल्डर या फिर अपने नेड़े के जिहड़े ब्लाक लैवल के फूड सप्लाई महकमे के दफ्तर है उत्थे जाके अपनी KYC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੈਪਟਡ ਕਰਨਗੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।